लखनऊ पुलिस आलमबाग ने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि गौरतलब है कि लखनऊ से जा रहे एक व्यापारी की 20 किलो चांदी 5 चोरों ने मिलकर सफा कर दी थी। उस पुलिस आलमबाग पुलिस ने और उसकी टीम ने उस पूरे प्रकरण को एक्चुअली एक वाराणसी के व्यापारी थे ओम प्रकाश, जो सराफा व्यापारी थे वाराणसी चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले, तो ये यहाँ पे अपने कार्य के लिए आए थे और चौक से यहाँ से लखनऊ चौक से फिर आलमबाग बस अड्डे है, यहाँ से इनको वाराणसी के लिए जाना था। रात का समय था, 5 तारीख की बात थी, 5 सितंबर 2021 को, और उसी समय ये किसी काम के लिए नीचे उतरे और उसी समय उनका जो बैग था वो गायब हो गया, जिसमें करीब 20 किलो उसके ऊपर चांदी थी, और इन्होंने तत्काल पुलिस को बताया और पुलिस एक्टिवेट हुई, उसमें व्यापारी का भी काफ़ी सहयोग था, और उसके बाद टीम का गठन किया गया पुलिस कमिश्नर श्री डी के ठाकुर साहब की तरफ से, और इस टीम का पूरा पर्यवेक्षण श्रीमती ख्यातिगर डीसीपी मध्य ने किया, और पूरी टीम जिसमें डीसीपी क्राइम सर, डीसीपी मध्य श्रीमती ख्यातिगर, और आलमबाग पुलिस इंस्पेक्टर विश्वकर्मा जी, और एसीपी आलमबाग श्री विक्रम सिंह, इनके क्लोज सुपरविज़न में इस टीम ने बहुत सक्सेसफुल रेड किया और लगभग 5 मुलजिमों को डिटेन किया गया। इन 5 मुलजिमों के पास से लगभग 10 किलो की जो चांदी है वो बरामद की गई है। लगभग अभी 4-5 मुलजिम और प्रकाश में आए हैं, जिनके लिए टीम की रेड स्टिल जारी है और रिकवरियां हम लोगों को करनी है, और पूरी टीम के जो संयुक्त प्रयास था जिसमें दोनों क्राइम ब्रांच लगी, मध्य की और सेंट्रल क्राइम ब्रांच लगी और आलमबाग पुलिस एसीपी आलमबाग लगे, तो इसमें जो भी पूरी जो संयुक्त प्रयास रहा है इसमें डीसीपी मध्य ने 15,000 रुपये कैश रिवॉर्ड की घोषणा भी की। ये घटना को अंजाम जिन्होंने अभियुक्तों ने दिया था, जो गिरफ्तार हुए इनका कोई पुराना अपराधी के इतिहास भी है? हाँ, बेसिकली ये सभी लोग वहाँ से अम्बेडकर नगर को बिलोंग करते हैं, वहाँ का एक जहांगीरपुर थाना है वहाँ से बिलोंग करते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे डीसीआईबी को शेयर कर दी गई है, अम्बेडकर पुलिस से शेयर किया गया है, वहाँ से जो और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो डाटा है, वो हम लोग प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करके अगर यदि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी आती है तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन में सबमिट करेंगे।